आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। फर्जी निकली मुठभेड़, आईपीएस समेत 30 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए डीआईजी ने की सिफारिश। रामपुर में शराब बरामदगी के नाम पर व्यापारी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजने में रामपुर पुलिस फंस गई है। पुलिस महानिरीक्षक सलभ माथुर की जांच में आईपीएस अफसर तत्कालीन एसपी सगुन गौतम समेत 30 से अधिक पुलिस वाले दोषी पाए गए हैं। सभी के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीआईजी मुरादाबाद ने उच्चाधिकारियों को संस्तुति रिपोर्ट भेज दी है। 6 अप्रैल 2021 को मिलक कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया था कि उसने 2 दिन पहले भैसौड़ी गाँव के पास शराब से भरा टैंकर पकड़ा था जिसमें 30 लाख रुपये की शराब भरी थी। पुलिस ने व्यापारी संजीव गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी मोहल्ला कृष्ण विहार कॉलोनी ज्वालानगर समेत कई की गिरफ्तारी भी दिखाई थी। जमानत पर जेल से आने के बाद व्यापारी संजीव गुप्ता ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। उन्होंने प्रार्थना पत्र के साथ सभी साक्ष्य लगाते हुए आरोप लगाया कि एसपी सगुन गौतम के इशारे पर फर्जी मुठभेड़ हुई थी। उनसे 10 लाख रुपये भी लिए गए और फर्जी मुठभेड़ में बंद भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए जाँच मुरादाबाद के डीआईजी सलभ माथुर को सौंप दी। डीआईजी माथुर ने दोनों पक्षों के बयान आदि के बाद पाया कि मुठभेड़ संदिग्ध है। इसमें तत्कालीन एसपी सगुन गौतम, तत्कालीन एसएचओ मिलक और उनकी टीम, तत्कालीन एसओजी प्रभारी और उनकी टीम दोषी है। साक्ष्यों को नज़रअंदाज किया गया। कुछ लोगों के नाम जानबूझकर निकाले गए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया, वहाँ से फिर तीसरे जगह ले जाकर मुठभेड़ दर्शाई गई। डीआईजी ने कार्रवाई की संस्तुति रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है। दूसरी ओर एडीजी बरेली राजकुमार ने बताया कि रिपोर्ट आई है लेकिन आगे क्या कार्रवाई है पत्रावली देखकर ही तय होगा। डीआईजी मुरादाबाद सलभ माथुर के अनुसार फोन रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और दोनों पक्षों के बयानों के बाद जांच में मुठभेड़ संदिग्ध पाई गई। प्रकरण में तत्कालीन एसपी, एसओजी प्रभारी और उनकी टीम, संबंधित एसएचओ और उनकी टीम के साथ 30 से अधिक पुलिस वाले दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।